हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एमएससी मैथमेटिक्स एमजीपीआरयू जो आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका जो एमएससी प्री का मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर या एमए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है या उसमें जो पेपर्स हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा जो हर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है समझने में। आप देख रहे हैं जो एमएससी प्रीवियस सिंस 2005 से 2006 तक है। ये आपका पेपर वन है, एडवांस एलजेब्रा का है। पेपर सेकंड है वो एनालिसिस एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स है। पेपर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का है। पेपर जो फोर है वो एडवांस फ्लूइड डायनामिक्स है। पेपर फिफ्थ है वो एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ये आपका फाइव पेपर होते हैं एमएससी प्रीवियस ईयर के। और फॉर एमएससी प्रीवियस का जो एडवांस अलजेब्रा का ये सिलेबस दिया हुआ है, आपको ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इस तरफ देख लीजिएगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है ये, कुछ थ्योरम्स हैं इसकी। ये इधर आ गए आपके, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है यहाँ पर पीछे जो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ से शुरुआत होती है। फिर इस पूरे पेज पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इधर देखने के नीचे आपको पेपर फोर्थ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, एडवांस फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें जो इसका सिलेबस दिया हुआ है आपको। इधर पेज को हम इधर देखेंगे, हम एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है आपको, पूरा सब अच्छे करके देख लीजिएगा आपको, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पेपर बता देते हैं। आपको बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि एमएससी प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे आता है। देखिएगा 2011 में हमारा जो पेपर आया था महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, वो ऐसा आया था एडवांस अलजेब्रे का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आए गए थे, देख रहे हैं आप ये तो। और ये देखो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आया इस प्रकार, ये देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। इससे बच्चे के नहीं होते हैं डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चे को जो डिप्रेशन होता है, बच्चा डिप्रेशन में जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। तो हमने सोचा है तो बच्चों के लिए ये कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हमने ये वीडियो में आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देख लो ये एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों के लिए। इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर आपका 2011 के ये पाँच